नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है और काफी कमेंट्स आए। काफी कमेंट्स में यही लिखा हुआ था कि बहुत ही खराब लग रहा है, बहुत अपसेटिंग न्यूज है। मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने भी यही लिखा कि बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग न्यूज है कि आर्यन खान को निर्दोष साबित कर दिया है एनसीबी ने। और एनसीबी को मैंने जबकि सबको बताया कि प्लीज आप अपने तरफ से हैशटैग्स बनाइए, मेरी रिक्वेस्ट करी मैंने, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता। मुझे जितना आता है वो यही है कि सच बोलो और सच के लिए जितना भी आगे जा सकते हो आगे बढ़ो, मुझे इतना ही आता है। अब किस तरह से क्या बोलती हूँ, मैं मेकअप करके बैठने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं मेकअप करके बैठ के यूट्यूब में लाइव करके आपको बात नहीं बता सकती। मैं तभी बात करने आती हूँ जब मेरे पास कोई ठोस सबूत होते हैं या फिर कोई बात ऐसी होती है जो मैं समझती हूँ आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोग चाहते थे। काफी लोगों ने यह भी लिखा कि समीर वानखेड़े को सॉरी कहना चाहिए। कुछ ऐसे भी गधे हैं जो ये कहते हैं कि समीर वानखेड़े को सॉरी कहना चाहिए। पहली बात, क्यों सॉरी कहना चाहिए? क्योंकि उसने ड्रग वुड, ये जो गंदी ड्रग लैंड है, ये जो ड्रग से भरी हुई दुनिया है, मुंबई महाराष्ट्र, उसमें से चुन चुन के नहीं सारे के सारे ड्रगीज को निकाल के फेंकने की कसम खाई थी। और काफी हद तक उसने कितने करोड़ों के, कितने खरबों के ड्रग्स पकड़वाए, कितने ड्रग पेडलर्स को या इंटरनेशनल सिंडिकेट्स को पकड़वाया। क्या ये उसकी गलती थी? या ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी कि उसने बादशाह द शाहरुख खान उसके बेटे को पकड़वाया, उसके बेटे को पकड़वा के उसके चैट्स पकड़वाए। किसी ने मुझे ये कहा कि मैम व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में नहीं साबित किए जा सकते या कोर्ट में इसके बिना पर कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेरा क्वेश्चन है। मान सकती हूँ कि आपने जो कहा वो राइट होगा कि कोर्ट में ये सब नहीं माना जाता, बट क्यों नहीं माना जाता? और क्या कोर्ट को ये याद नहीं है कि इसी आर्यन खान ने अपने लिखित रूप में साइन करके उसने एक बात भी करी थी कि वो ड्रगी है, वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, उसने क्या क्या नहीं कहा और उसके वजह से काफी लोग पकड़े गए। क्या आप सब भूल गए? क्या ये एनसीबी को याद नहीं है? जब हमने इतने सारे प्रश्न किए, मैं उस चीज से बहुत खुश हूं कि सोशल मीडिया हैज अ पावर। मैं जबकि हर बार कहती हूं कि हमारी बोली में, हमारे चीखने चिल्लाने में, जब कोई लोग बोलते हैं ना कि यार क्यों इतना चिल्लाती है, क्यों इतना चीखती है, तो पागल है क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। हर वो इंसान को पागल ही कहा जाता है जो सच्चाई के लिए लड़ता है। अरे हमारे देश में जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे रेवोल्यूशनरी नेताजी, और इन सबको तो पागल ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये ठान के रखा था कि इस देश को आजाद करेंगे, इसलिए उन लोगों को पागल ही कहा जाता है। उन लोगों को ये नहीं कहा जाता था कि अपना खून देकर उन्होंने हमें आजादी दी, ये नहीं कोई कहता था। उनको तब पागल ही करार किया गया था। ये तो आज की दुनिया अब समझती है कि उनका वो बलिदान क्या था। उस बलिदान को वो लोग तब नहीं समझ रहे थे जब वो लोग बलिदान दे रहे थे, सैकड़ों लोग हमारे भारत के लिए जान दे रहे थे। तब सब इंसान एक दूसरे को बोलते थे, पागल है क्या ये, इसको जाने दे यार, हमें तो अंग्रेजों के नीचे दबके रहना है, हमें तो उनकी गुलामी करनी है। तब इन लोगों ने आवाज उठाई थी और कहा था नहीं, वंदे मातरम, और हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम भारत को आजाद नहीं करवा देते हैं। उसी तरीके से मैं भी लड़ाई कर रही हूं जब तक मैं जस्टिस को नहीं पा लेती। और ये जस्टिस मेरे भाई ने सिर्फ अपने खून के बदले खून वाला नहीं दिया है, उसने ये जताया है पूरी दुनिया को कि जस्टिस उस पे भी हासिल करनी है जो गलत हो रहा है, और जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए भी आवाज उठानी है, और मैं वही कर रही हूं। तो उसी आवाज के बदले काफी लोगों ने इतना चिल्लाया, इतना हम लोगों ने ये हैशटैग्स बनाए कि एनसीबी यू नीड टू चेंज योर डिसीजन, क्लीन चिट कैसे दे दी। तब एनसीबी अभी आकर ये कहती है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट हम फाइल कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो सारे सबूत कहाँ चले गए जो आपके ऑफिस में बैठकर आपके सामने आर्यन खान ने साइन करे थे और आपके पास सारे सबूत थे? आपने 26 दिन, 2 अक्टूबर जो हादसा हुआ था, जो रेव पार्टी हुई थी, जो क्रूज पार्टी हुई थी, उसमें जो ये पकड़ा गया था, इसने सेल्फी खींची थी, इसने वो
कितने लोग मर गए, और क्या आप ये भी भूल गए कि एनसीबी के दो ऑफिसर्स, मेन ऑफिसर्स, उन दोनों को पकड़ा गया था क्योंकि उन लोगों ने अच्छे से वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। तो ये सब भी आप भूल गए क्या? ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना है एनसीबी के एसएन डायरेक्टर वॉट एवर योर नेम इज, मिस्टर संजय वंजय वॉट एवर, आपको मेरा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप समीर वांगखड़े की जगह पर नहीं बैठ सकते, आप बैठे होंगे बट उसके तरह आपको इज्जत नहीं हम दे पाएंगे, क्योंकि समीर वांगखड़े वॉज अ रियल मैन। आज उसको आप लोगों ने निकाल दिया, उसको आपने इस केस से दूर कर दिया, बट वो इंसान था जिसने हर वक्त सच्चाई का साथ दिया, अपनी परवाह ना करते हुए, अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए उसने सच्चाई का साथ दिया। उस नवाब मलिक ने उसे क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया उसके साथ, लेकिन वो डटा रहा। आप लोगों में इतना दम नहीं है। आर्यन खान के सारे सबूत आपके पास है, आर्यन खान के अगेंस्ट आपने सारे सबूत हम सब तक भी पहुंचाए हैं, और आप लोग अब कह रहे हो कि आपके पास सबूत नहीं है, और सबूत नहीं है बोल के आपने उसे क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट क्यों दी? माय क्वेश्चन इज, क्लीन चिट क्यों दी? आप रुक सकते थे, आपको आपको और वक्त मांगना चाहिए। आपको ये सारे सबूत जो आपके पास है, अरे व्हाट्सएप चैट्स क्यों नहीं है आप दे रहे हो, और ये क्यों भूल रहे हो कि उसके सारे सबूत आपके पास है, उसने ड्रग पेडलर्स को पकड़वाया है, आपके पास सब सबूत है। आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? कितने में खरीदे गए हो? शाहरुख खान ने आपको कितने में खरीदा? उस बादशाह ने आपको कितने में खरीदा? वो वही बादशाह है जो हिंदुस्तान में नहीं, बाहर लॉस एंजलिस में बड़ा स्टेडियम खरीद के क्रिकेट का ग्राउंड खरीद रहा है। वो वही इंसान है जिसको हम लोग ने टिकट खरीद खरीद के बड़ा आदमी बनाया, और उसी बड़े आदमी ने पैसे देकर आप लोगों को खा लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। अब एनसीबी उठ के बोल रही है सप्लीमेंट्री चार्जशीट हम फाइल कर सकते हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हमें थोड़े और सबूत चाहिए। और खतरनाक बात आप सबको ये बता देती हूँ कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है, और उसके साथ जो 19 लोग 18 लोग थे उनमें से 6 लोगों को भी क्लीन चिट मिल गई है। अब बचे हैं 14 लोग, और 14 लोग में सबसे बड़े अपराधी किसको माना जा रहा है आपको पता है? सुन के आप चौंक जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा आरोपी माना जा रहा है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धवेजा को। उन लोगों के पास ड्रग्स मिले थे, और उन लोगों ने ये अपने आप में कबूल भी कर लिया कि हाँ हम सबसे बड़े ड्रगीज हैं, हम सबसे बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, ये वो, और उन लोगों ने अचानक ये आरोप स्वीकार कर लिया। सोचने की बात है, सोचने की बात है कि पूरा मामला उलट गया। आर्यन खान से पूरा मामला उलट के अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धवेजा के ऊपर आ गया, यानी कि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर बनाया गया है इस बड़े बाप के बेटे ने, और इस बड़े बाप के बड़े बेटे ने, आर्यन खान ने अपनी आजादी खरीद ली है। शेम ऑन द गवर्नमेंट, शेम ऑन द लॉ। इट्स अ बिग शेम फॉर द एजेंसी। आज तक एनसीबी को हम लोग सल्यूट कर रहे थे, आज वो भी उसी लाइन में आ गई जहां पे सब बिके हुए हैं। शेम ऑन यू। कहां समीर वांगखड़े? और आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइमलाइन में बताया कि समीर वांगखड़े को सॉरी बोलना पड़ा, तो सॉरी उन्होंने मीडिया में इसलिए नहीं कहा है कि उसने गलत इन्वेस्टिगेशन करी है। माइंड यू, आप लोग सब कोई कान खोल कर सुनिए कि सॉरी उसने ये नहीं कहा है कि आई हैव मेड अ रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। उसने सॉरी ये कहा है झुक कर, अपनी आंखें झुका कर, कि अब मैं इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं हूं, सो प्लीज मुझे क्वेश्चन मत करिए। आप क्वेश्चन करिए जो अब इस इन्वेस्टिगेशन में है, यानी कि उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कितना प्रेशर बनाया गया होगा कि उस इंसान ने अपनी आंखें झुकाकर मीडिया के सामने सॉरी ये कहा कि उस इन्वेस्टिगेशन में अब वो नहीं है। कितना दुख हो रहा होगा उस इंसान को कि वो अपनी जान पर खेल के पूरी टीम के साथ उस क्रूज पार्टी में गया, और उसने सारे ड्रग पेडलर्स, सारे ड्रग्स को पकड़ा, और उसके साथ ये हो रहा है। इट्स अ शेम। संजय द डायरेक्टर, मिस्टर संजय, आप जो डायरेक्टर हैं एनसीबी के, अब नए डायरेक्टर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप समीर वांगखड़े जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। समीर वांगखड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को आप लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन से दूर कर दिया। क्यों कर दिया दूर, ये तो हम सब जान गए। शेम ऑन यू ऑल, शेम। It's a big shame.
आप अब चार्जशीट फाइल करिए, सप्लीमेंट्री करिए, सप्लीमेंट्स करिए, वट एवर करिए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आप लोग क्या हो, क्या कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ नवाब मलिक की फैमिली गायब हो चुकी है। यस, नवाब मलिक की फैमिली अंडरग्राउंड हो चुकी है और ये सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उसकी बेटी, जिसको ये अलाउड था कि वो अपने बाप से मिल सकती है ड्यूरिंग द यू नो व्हाटएवर यू कॉल इट सर्जरी और द मेडिकल नीड्स जो भी है, नवाब मलिक की बेटी निलोफर उससे रोज मिल सकती है और उनके सामने मिल सकती है, यानी कि ईडी के लोगों के सामने मिल सकती है। वो लड़की भी आजकल नहीं आ रही है अपने बाप से मिलने, नहीं पूछने आ रही है कि सर्जरी कैसी चल रही है या कैसा चल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट आपका, कुछ नहीं पूछने आ रही है। और ये लोग सब लापता है, इन लोगों को 5-5 बार ईडी के द्वारा समन भेजा गया है, लेकिन अब इन लोगों ने कोई आंसर नहीं दिए हैं और वो लोग अपने घर पे नहीं हैं। ईडी अब बहुत जल्दी उन लोगों के लिए लुकआउट वारंट निकाल सकती है, क्योंकि इन्हें भगोड़ा कहा जा सकता है। लेट्स सी निलोफर कितने दिनों में आती है, क्योंकि निलोफर भी नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी नवाब मलिक आपके ऊपर और क्या क्या कहर ढाने वाले हैं आपके खुद के लोग। इसीलिए कहते ना, पाप इतना मत करो कि घड़ा भर जाए और उछलने लगे। आपका घड़ा तो फूट गया है, दाऊद भी नहीं आएगा आपको बचाने, और वो तो ऊपर चली गई है आपकी हसीना पारकर, उसका बेटा आपके ऊपर सारे लांछन लगा चुका है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। दूसरी बात, आमिर खान क्या नाम है, एक मूवी कर रहा है जो बहुत ही अलग तरह की मूवी बनने वाली थी, बट कास्ट रॉन्ग हो गई। लाल सिंह चड्ढा उनके नाम पर आमिर खान उनका किरदार निभाने वाला है, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये वही आमिर खान है जिसे आदत है इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ बोलने का, और ये वही आदमी है जिसकी वाइफ को इंडिया में रहने से बहुत डर लगता है, और ये वही आदमी है जिसकी बेटी इतने अधनंगे गंदे अश्लील फोटोज खिंचवा कर मीडिया में डालती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपक चिपक कर नंगे फोटोज डालती है, ये वही आमिर खान है। तो इस आमिर खान को कैसे इतने बड़े दिग्गज आदमी का किरदार निभाने देना चाह सकता है, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और ये बॉयकॉट होने वाला है बहुत जल्दी। और बॉयकॉट क्यों ना हो, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि IPL जो कि 29 मई को जिसका ओपनिंग है, जिसकी लास्ट फाइनल मैच है, जिसकी फाइनल मैच है 29 मई को, उसके लिए आमिर खान को बुलाया जा रहा है, और इसके लिए सुल्तानपुर से सारे हिंदूवासी जो है उन लोगों ने बड़े तौर से खिलाफ होना शुरू किया है और कहा है कि इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए IPL के फाइनल मैच में हो, और ये बिल्कुल भी, ये जो मूवी आ रही है सरदार जी की, मतलब लाल सिंह चड्ढा की, ये बिल्कुल भी बॉयकॉट करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी इस किरदार को निभाने लायक नहीं है। अब देखना है कि 11 अगस्त को ये मूवी जब रिलीज होगी तो क्या होने वाला है। वैसे इस मूवी के रिलीज डेट बहुत बार चेंज हुए हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आमिर खान को मैं तो बॉयकॉट उस दिन से कर चुकी हूँ जब से उसने हमारे देश में रहने के लिए बहुत डर दिखाया था। तो भैया अपने देश में चले जाओ, वहां पर जो करना है करो, कितना कर सकते हो वो हम देखेंगे, और अपनी अधनंगी बेटी को पहले कपड़े पहनना सिखाओ, उसके बाद ये किरदार निभाने की कोशिश करना। फिलहाल के लिए यू आर बॉयकॉटेड। आगे की घटनाएं, आगे की अपडेट्स सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे आपकी मर्जी है, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये मेरा नारा जिंदगी भर तक रहेगा। जय हिंद।